सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जिंदा हो तो एनर्जी बना के रखो, थकने की, टूटने की, हारने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं तीन ऐसे टिप्स जिसको आप आजमाएंगे तो अपनी लाइफ को बना लेंगे हिट सेहत के मामले में। पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं ऐसी जिसमें मैंने 5 टिप्स बताए थे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो भी जरूर देख लेना। लेकिन आज उससे आगे के मैं 3 टिप्स बताने जा रहा हूं। नंबर 1 टिप है कि आपको अपनी रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जब भी बात एक्सरसाइज की होती है तो लोगों के माइंड में क्लिक करता है कि हमें जिम करना चाहिए, बॉडी शॉडी बनानी चाहिए, सिक्स पैक एब्स होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी एक्सरसाइज अपनी एज और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। वो योगा हो सकता है, मार्शल आर्ट हो सकता है, फास्ट वॉक हो सकता है, रनिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से नहीं है। और अगर आप बिल्कुल यंग हैं तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 1.5 घंटे का गैप आपको रखना चाहिए। उसका रीजन है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाता है, पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फटाफट से पेट की तरफ भागता है, हीट क्रिएट करता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि वो जो हीट है वो डाउन होने लगती है, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना सड़ेगा, सड़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करेगा, लाइक कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, और फिर इन बीमारियों से और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। और आप एक बैड फैट को भी अपनी बॉडी पर क्रिएट होने देते हैं और फैट और ज्यादा बीमारियां क्रिएट करता है। तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपको कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टिप मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप खाना खाएं तो आप खड़े होकर नहीं खाएं, सोफे पर बैठकर नहीं खाएं, बेड पर बैठकर नहीं खाएं, बल्कि जमीन पर बैठकर आपको आलथी पालथी मारकर, जो सुखासन मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा किस तरीके से आपको खाना खाना है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको खाना खाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि ज्यादातर आप पार्टीज में जाते हैं, हमने भी वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, तो हम क्या करते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं। रीजन क्या है, खड़े होकर खाना खाने का नुकसान क्या है? जब भी आप खाना खाते हो तो मैंने अभी बताया कि बॉडी का जो ब्लड है वो पेट की तरफ भागता है हीट क्रिएट करके उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप खड़े हैं तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर तरीके से स्टमक की तरफ नहीं आ पाता है। अगर आप बैठकर खाना खाते हैं तो नीचे की जो बॉडी है, लोअर बॉडी है, उसको आप लॉक कर लेते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन स्टमक से नीचे नहीं जा पाता है, तो हीट ज्यादा क्रिएट होती है। हीट ज्यादा क्रिएट होती है तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है। यही एक रीजन है कि कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाएं तो आराम से बैठकर खाएं, सुखासन में बैठकर खाएं। अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3 टिप्स आप अगर अपने जीवन में अपना ले, नंबर 1 रोज आपको एक्सरसाइज करनी है, नंबर 2 खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, और नंबर 3 खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाइए। अब अगर ये वाला इशू है कि नहीं आपको तो बेड पर ही बैठकर खाना है, सोफे पर बैठकर खाना है, चेयर पर बैठकर खाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर भी आप सुखासन पोजिशन में बैठकर खाना खा सकते हैं। जमीन पर बैठ के खाने खाने का सीधा सा तात्पर्य यह है, सीधा सा रीजन ये है कि आपको इजीली आप अपनी लोअर बॉडी को लॉक करके इजीली बैठ सकते हैं, जिससे खाने को डाइजेस्ट होने में आसानी हो जाती है। तो गाइज, ये 3 टिप्स अपनाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है 5 टिप्स का, उनको भी फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव अ गुड लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।